हेलो फ्रेंड्स, आज सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बनाएंगे उनके लिए भोग। तो इसके पहले हमने मोदक रेसिपी बनाई थी जो आप लोगों ने देखी है, और उसी में हमने कुछ और भी भोग बनाया था, तो कुछ कारणवश हम नहीं डाल पाए थे, जिसको आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे छोले। तो उसके लिए हमने कुछ खड़े गरम मसाले और एक चम्मच चाय की पत्ती, एक चम्मच सौंठ पाउडर और दो तेज पत्र डाल के, और पानी अपनी आवश्यकता अनुसार डाल के हमने रख दिया है। इसके बाद हम कुलचे बनाने के लिए आटा लगाएंगे, जिसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप दही, उसमें हमने 2 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाला है, और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे चीनी अच्छे से गल जाए। और अब हम इसको अपने आटे में डाल लेंगे और गूथ के अच्छे से लगा लेंगे, और थोड़ा सा ऊपर से भी हम यहाँ पे ऑयल डाल लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा चिपचिपा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इस हिसाब से अच्छे से बनाइए, और गुब्बारे जैसे ये फूलेंगे भी। और यहाँ पे हमने खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया है, और उसमें कुछ मेवे काट के डाल दिए हैं, और मखाना हमने भूना है थोड़ा सा, और उसको कूटा है दरदरा कूट के हमने इसमें डाल दिया है। और एक तरफ ये मेरी खीर बनती रहेगी, और दूसरी तरफ हम अपना कुछ दूसरी तैयारी करेंगे। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। तो खीर हमारी बन गई है, और अब यहाँ पे हम बनाएंगे छोले। तो तेल डाला है उसमें हमने, और उसमें हल्दी डाल देंगे, और हमने जो टमाटर में हमने अदरक और 2 हरी मिर्च ग्राइंड करके रखा था उसको डाल देंगे, और यहाँ पे 2 चम्मच हमने छोले मसाले डाल दिए हैं जिससे इसका स्वाद अच्छा आ जाए। और टमाटर डाला हमने तो इस वजह से इसमें हम अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे, और अब मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। और ये हमारे जो हमने छोले चढ़ाए थे तो उसमें एक पोटली डाली थी मसालों की, उसको हम निकाल लेंगे। और मसाले, ये चने हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ कुलचे हम स्टफ्ड बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 4 आलू उबाली थी, और उसमें हमने डाला है आमचूर पाउडर, चिली पाउडर और चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हरी धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं डाली क्योंकि अभी मेरे पास नहीं थी। तो आलू अच्छे से हम मैश करेंगे जिससे इसमें गुठली ना रह जाए, और मैश करके रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, और अब हम डालेंगे अपने छोले। तो आप सभी में कहाँ से देख रहे हैं प्लीज हमें कमेंट करिएगा, और आप सब भी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए, और गणपति बप्पा को भोग लगाइए, अपने जो आपके इष्ट देव हैं उनको भी आप भोग लगाइए, और खुद भी खाइए और इंजॉय करिए अच्छे से, क्योंकि अभी तो बहुत सारे त्योहारों की, जैसे झड़ी लगना, तो झड़ी लगी हुई है, तो सभी त्योहारों का मज़ा लीजिए, और अच्छे अच्छे इसमें पकवान बनते हैं, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। तो यहाँ पे हम लोई काटेंगे, और उसमें अपने आलू जो हमने मैश करके रखी है उसको भर के बेलेंगे। तो ये थोड़े से चिपक रहे हैं, तो अपने हाथ में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे जिससे हाथों में ना चिपके। ये देखिए हमने आटा लगा लिया, अब नहीं चिपक रहा है। और अब थोड़ा सा सूखा आटा हम अपने चकले पे लगाएंगे, और इसको हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसके बाद अच्छे से, चाहे आप गोल बेलिए या किसी भी आकार का बेल सकते हैं। और बेलने के बाद एक साइड में थोड़ी सी आप अजवाइन लगा सकते हैं, लाल कुटी मिर्च डाल सकते हैं, और कसूरी मेथी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, धनिया, हरी धनिया कुछ भी डाल सकते हैं।
लगा के दूसरी साइड में हम पानी लगा लेंगे, जिससे ये तवे में अच्छे से चिपक जाए, और तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। तवा ठंडा ना रहे, नहीं तो ये चिपकेंगे नहीं और सेकते टाइम ये निकल जाएंगे उसमें से। तो देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगी है, और अब हम इसे आँच में पलट के सेक लेंगे, जिससे ये बढ़िया से पक जाए। तो आप देख सकते हैं एकदम गुब्बारे जैसे बढ़िया से फूल गए हैं, और आप भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी आप डाल के एक घंटे के लिए आटा लगा के रख दीजिए, ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, और जब भी आप सेकेंगे तो ऐसे ही खूब बढ़िया से फूलेंगे, और इनका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। एक बार आप ज़रूर से बनाइए और खाइए, और हमें कमेंट करिए कि आपके घर वा जो स्टब कुलचे हैं वो कैसे बने हैं। और यहाँ हमारे छोले बन गए हैं, और इसमें हमने डाल दी है कसूरी मेथी, जिससे अच्छी खुशबू आने लगती है। तो अब हम एक एक करके सारे कुलचों को सेक लेंगे, और सारा भोजन हमारा बन गया है। अब हम लगाएंगे भोग, तो यहाँ पे भोग की थाली लगा लेंगे, और यहाँ हमने मोदक भी बनाया था, मोदक का स्वाद बहुत ही बढ़िया आया था, आप लोग बना के एक बार देखिएगा, देख सकते हैं कि हमारी भगवान की थाली लग गई है। अब भगवान जी को भोग लगा देंगे, और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।